गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड लाइफ। मैं हूं मीनाक्षी। क्या आप भी अपने अनचाहे बालों से परेशान हैं? क्या जो आपकी हेयर ग्रोथ है वो बहुत जल्दी जल्दी आती है, जिसकी वजह से आपको बहुत फ्रीक्वेंटली हेयर रिमूवल क्रीम या थ्रेडिंग वैक्सिंग इनका यूज करना पड़ता है उन्हें हटाने के लिए, और आप परेशान हो जाते हैं? लाइक कुछ लेडीज की तो ऐसी हालत है कि 7 से 8 दिन में ही उनके बाल आना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और हेयर ग्रोथ से परेशान होने की वजह से समटाइम्स हम जैसे ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं, लाइक लेजर ट्रीटमेंट, जिसकी जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बजट से बाहर होते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं होता है कुछ टाइम तक तो वो हेयर ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद वापस आना शुरू हो जाती है। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा सोल्यूशन जो कि बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल सेफ है, इफेक्टिव है, और जिससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके जो ग्रोथ होगी वो आना पहले धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है और आज मैं रिव्यू करूंगी न्यूड नेचुरल हेयर इनहिबिटर का, और ये मैं कुछ टाइम से यूज कर रही हूँ। सो आज मैं आपको बताती हूँ ये प्रोडक्ट कैसा है और इसे कैसे यूज करना है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट पैकेजिंग एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इट कम्स इन अ कार्डबोर्ड पैकेजिंग एंड पैकेजिंग इज रियली नाइस एंड क्लासी, मुझे काफी अच्छी लगी इसकी पैकेजिंग, काफी लग्जूरियस पैकेजिंग है इसकी। एंड इस टाइप से ये ओपन होता है एंड इस टाइप की बॉटल में आता है। सो इट कम्स इन दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक बॉटल पैकेजिंग, एंड प्लास्टिक बॉटल पैकेजिंग होने की वजह से थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है यूज़ करना भी और साथ में कैरी करना भी। पम्प बॉटल पैकेजिंग की वजह से कन्वीनियंट हो जाता है यूज़ करना, मेस क्रिएट नहीं होता और हाइजीन भी मेंटेन रहता है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो ये 80 ग्राम्स की पैकेजिंग में आता है और ये इसकी न्यू पैकेजिंग है, इसमें आपको 20 ग्राम्स एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है सितंबर 2020 एंड ये एक्सपायर करेगा अगस्त 2022 में। इट मींस आपको मिल जाती है 2 साल की शेल्फ लाइफ, विच इज क्वाइट इनफ। और अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो ये नॉर्मल फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल मुझे स्ट्रांग नहीं लगी, हार्श नहीं लगी, माइल्ड फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल भी इरिटेटिंग फ्रेग्रेंस नहीं लगी मुझे इसकी। और कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल मॉइस्चराइजर की तरह है, जैसा मॉइस्चराइजर होता है बिल्कुल वैसा, और स्किन को काफ़ी हाइड्रेट भी रखता है, मॉइस्चराइज रखता है ये, काफ़ी स्किन मॉइस्चराइज्ड फील होती है इसे लगाने के बाद, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। इसका जो प्राइस है वो है 1499 रुपीज़, बट अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट और इनकी खुद की वेबसाइट पर भी देखेंगे आप तो डिस्काउंट्स रहते हैं, तो आपको थोड़ा कम का पड़ जाएगा। आई नो थोड़ा प्राइसी है, बट अगर आप देखेंगे कि इसका क्या काम है तो आई एम श्योर आपको ये प्राइसी बिल्कुल भी नहीं लगे। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है इसलिए 100% नेचुरल है और इफेक्टिव है, सेफ है आपके यूज करने के लिए, पैराबेन फ्री है, वीगन है, GMP सर्टिफाइड है, तो बिल्कुल कम्प्लीटली आप ट्रस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट पे और इजीली से यूज कर सकते हैं। जो ये हेयर इनहिबिटर है वो PDR टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल पे काम करता है, लाइक सबसे पहले ये पेनिट्रेट करेगा आपकी स्किन के अंदर, फिर डीएक्टिवेट करेगा वहाँ से ग्रोथ को, देन रिटार्ड करेगा कम्प्लीटली हेयर ग्रोथ को। सो ये काफ़ी सही चीज़ है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसे कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो जाएगी। ये 100% सेफ है, आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नेचुरल हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट से फॉर्मुलेशन है इसका, सो काफ़ी अच्छा है ये और ऑल स्किन टाइप्स को सूट करेगा। बट स्टिल मैं आपको कहूँगी इसे यूज़, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज़ इसका एक बार इसका पैच टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद ही इसे यूज़ कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। सो आप कोई सा मेथड यूज़ करते हो अपने हेयर को रिमूव करने के लिए, चाहे वो हेयर रिमूवल क्रीम हो, शेविंग करते हो, थ्रेडिंग करते हो या वैक्सिंग करते हो, करने के जिस दिन आप करते हैं उस दिन से आपको स्टार्ट करना है इसको लगाना, एक बार दिन में लगाना है, एक बार रात में लगाना है। आप कुछ जिस जहाँ भी आपने हेयर रिमूव किया है उससे लेकर आपको 5 से 7 दिन कंटिन्यूसली लगाना है इसे, उसी पार्ट पे जहाँ भी आपकी वैक्सिंग या थ्रेडिंग जो भी आपने यूज़ किया है उसके बाद, आपको पूरे आपने हैंड्स पे किया, लेग्स पे किया है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे किया है, आपको 5 to 7 days डे और नाइट दोनों में लगानी है। इससे क्या होगा, ये आपके क्योंकि हेयर रिमूव करने के बाद में जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो सो ये न्यूड हेयर इनहिबिटर क्या करता है, आपके स्किन में डीपली पेनिट्रेट करता है और वहाँ से धीरे धीरे ग्रोथ को कम करता है, डीएक्टिवेट करता है और फाइनली आपकी हेयर ग्रोथ होना बंद हो जाती है। और इससे क्या होगा, करते करते आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपके जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो गई है और धीरे हो गई है। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक बार यूज़ ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा, बट आपको ये कंसिस्टेंटली करना है, लाइक आपने चाहे 15 दिन में हेयर रिमूव किए हैं, चाहे महीने भर में किए हैं, चाहे 8 दिन में किए हैं, उसके बाद आपको 5 से 7 दिन इसे कंटिन्यूसली लगाना है विदाउट एनी ब्रेक, आपको ब्रेक नहीं लगाना है बिल्कुल भी, मॉर्निंग में किया है रात को भी करना है,
फिर नेक्स्ट डे वापस मॉर्निंग में, रात को ऐसे 5 से 7 दिन करना है। सो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नेचुरल हैं, बिल्कुल सेफ हैं और काफ़ी इफेक्टिव हैं। धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो कम होना शुरू हो गई है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना इस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अमेजिंग है। सो मैं भी यूज़ कर रही हूँ और मुझे भी रिजल्ट मिला है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट आपको इसको कम से कम 14 to 16 weeks यूज़ करना है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। तो उससे पहले रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपने 15 दिन लगाया या एक बार लगाया, महीने में एक दिन लगाया, एक बार लगाया, दो बार लगाया और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, पेशेंस के साथ यूज़ करेंगे और एक पॉजिटिव माइंड के साथ यूज़ कीजिएगा और कंसिस्टेंटली यूज़ कीजिएगा, आपको रिजल्ट फॉर श्योर मिलेगा। सो एक बार इस प्रोडक्ट को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये ट्रस्ट मी आप रिग्रेट नहीं करेंगे इसे लेकर, और आपको बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं लगेगा आफ्टर यूजिंग इट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।